नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में इन दिनों जीतनराम मांझी को लेकर सियासत काफ़ी तेज है। पिछले दिनों जीतनराम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान कर दिया कि अब वो विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, चाहे वह झारखंड विधानसभा का चुनाव हो या आने वाले साल में बिहार विधानसभा का चुनाव हो, वो सभी जगह पे अकेले अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी ऐलान के बाद बिहार की सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है। अब सुनिए तेज प्रताप यादव, जो कि लाल प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी मांझी के इस बयान को लेकर क्या कुछ कह दिया है। गठबंधन का क्या है क्या नहीं है वो तो बड़े नेता लोग फैसला तय करते हैं ना, हम तो पार्टी लालू जी का आज बेल का फैसला था सर, डेट को बढ़ा दिया गया, क्यों ऐसा किया जा रहा आप लोग के साथ? इसके साथ ही तो हमारे साथ थोड़े किया जा रहा है, पूरे बिहार की जनता के साथ किया जा रहा है। लालू यादव जी का आज बेल का फैसला था, डेट को आगे बढ़ा दिया, साजिश रच रहा है, सब गरीब गुरबा को नेग्लेक्ट कर रहा है। मांझी जी अलग हो गए, उसको कुछ बोला? मांझी जी अलग होने की बात कर रहे हैं कि गठबंधन नहीं रहे, मांझी जी अलग हो जाएं, मांझी जी से क्या लेना देना है हमको? हमको अपना जनता से मतलब है, जनता हमको जीता के भेजेगा, हमको जनता का भरोसा है। मांझी जी अलग जाएं या जहाँ जाना है मांझी जी जाएं अपना, केवल वैशाली ही नहीं पूरे बिहार का ये स्थिति बना हुआ है, क्राइम पूरा मॉम लिंचिंग भीड़ का हिस्सा लोग बन रहे हैं। हाँ, तो सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, जो सरकार में है सरकार नियंत्रण करे, सरकार तो अपने सोई हुई है ना, इनसे सरकार चल नहीं रहा, प्रशासन का लोग नहीं चल रहा, अफसर इन पे हावी हुए जा रहे हैं, थाना पुलिस कहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो आपने सुन लिया, उन्होंने कहा है कि मांझी जी को जहाँ जाना है वो जाएं, हम अपने सरकार में थे तब भी अच्छा काम करते रहे थे, उनके बिना भी अच्छा काम करते रहेंगे। तो तेज प्रताप यादव ने मांझी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जीतनराम मांझी, जो कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। तेज प्रताप यादव आजकल ज़्यादा चर्चा में अपने भाई को लेकर हैं, क्योंकि आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में तेजस्वी यादव के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की है, बचपन की तस्वीर शेयर की है, जिसमें राबड़ी देवी के साथ वो हैं। उन्होंने इस दौरान कहा है कि हमारे छोटे भाई, जान से प्यारे भाई तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ उन्होंने कई सारी बातें भी लिखी हैं। आप बने लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।